हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके सामने आई हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी खुशी का कारण आप हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपने मेरे चैनल को आगे बढ़ाया और आज 51,000 सब्सक्राइबर्स के साथ मैं आपके साथ हूँ। एग्जैक्टली, मम्मा के चैनल ने हाफ सेंचुरी, 1,00,000 यहाँ पे मानते हैं पूरी सेंचुरी। यूट्यूब की बात करें तो 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आप जाके देख सकते हैं तो। इनफैक्ट 51 हो गए हैं अब जब हम वीडियो बना रहे हैं, और इट्स अ बिग अचीवमेंट। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, आप लोगों के सपोर्ट, प्यार, एनकरेजमेंट, अच्छी अच्छी फीडबैक की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। एक्चुअली आप लोगों ने ही मुझे इतना एनकरेज किया है, क्योंकि आपके सवाल आते हैं और मेरी इच्छा होती है कि जो मेरा ज्ञान मेरा है वो मैं आपके साथ बांटूं और उसको और बढ़ाने की कोशिश करूं। ये तो आपने भी सुना होगा, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और मैं उसी के लिए और मेहनत करती हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ तो ऐसा कर रही हूं जो किसी को पसंद आ रहा है। बिल्कुल, और जर्नी काफी लंबी रही है, 9 महीने कंप्लीट हो गए हैं, 9 महीने, और 9 महीने के अंदर 50,000 सब्सक्राइबर्स एक अच्छी अचीवमेंट मानेंगे, और ये सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, आपके प्यार की वजह से। अपनी जर्नी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि कैसे पॉसिबल हो पाया ये सब। बिल्कुल, एक्चुअली जब हमने अपना दूसरा चैनल स्टार्ट किया था, फूड फिटनेस एंड फन, तब हमें पता चला कि फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस है, उसके अलावा भी हमें बहुत सारी फिटनेस चाहिए। इमोशनल फिटनेस चाहिए हमें, सोशल फिटनेस चाहिए हमें, मेंटल फिटनेस चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा ऐसा ताला लगा होता है जिसके कारण हम खुश नहीं हो पाते हैं, और अगर उस ताले की चाबी हमको मिल जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये दूसरा चैनल स्टार्ट किया, और इसको भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मिला, तो मैं भी एनकरेज हुई, और मैं इसी एनकरेजमेंट मैं और आगे आगे इसमें और भी चीजें ऐड करती जा रही हूँ। एग्जैक्टली, यानी एक होलिस्टिक अप्रोच हम चाहते थे। जो पहला चैनल है फूड फिटनेस एंड फन, उसमें रेसिपीज मिलेंगी फिटनेस, लेकिन वो बेसिकली फिजिकल फिटनेस को ज्यादा अप्रोच करता है, उसके अंदर वर्कआउट वीडियोस है। लेकिन ये जो चैनल है वो आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी मेंटल, एनवायरमेंटल, सोशल हेल्थ को एक तरह से टारगेट करता है, जो आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। More than 70% आजकल जो हेल्थ इश्यूज हैं वो इन सब चीजों की वजह से है, रेदर देन जस्ट फिजिकल थिंग, आपको स्ट्रेस की वजह से, लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से। क्योंकि अगर हम अपनी फिजिकल फिटनेस को तो तभी ठीक रख पाएंगे ना, जब हम अंदर से ठीक होंगे, और अंदर से कब ठीक होंगे, जब हम मेंटली फिट होंगे, जब हम इमोशनली फिट होंगे, तभी हम अंदर से ठीक होंगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये शुरू किया था, और इस चैनल में मैंने अप्रोक्सीमेटली सभी सोशल इश्यूज को भी साथ में लेने की कोशिश की है। इसमें मैंने पेरेंटिंग की भी बात की है, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे आगे लेके आए, उसकी भी बात की है। इसमें मैंने एनवायरमेंट की भी बात की है, क्योंकि इसी एनवायरमेंट में हमने भी रहना है, हमारे बच्चों ने भी रहना है, तो इसको अच्छा कैसे बनाया जाए। हाँ, वो बात दूसरी है कि कम लोग देखते हैं इस चीज को, और मुझे ये अच्छा नहीं लगा। एग्जैक्टली, एनवायरमेंटल इश्यूज को टच किया है, लेडीज जो फीमेल इश्यूज होते हैं उनको टच किया है, और सबसे बड़ी चीज मैंने एक चीज और इसमें ली है, जो कि व्हाई डू मेन एंड विमेन आर डिफरेंट, उनमें आर्ग्यूमेंट क्यों होते हैं, बेसिक सी चीजें हैं जिसका हमको पता नहीं है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो उस चीज को मैंने टच किया है, और इसके लिए मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है कि वाकई में बहुत सारी प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो गई है। एग्जैक्टली, यानी रिलेशनशिप में जो इश्यूज होते हैं उन्हें भी टच किया है, तो काफी वेरियस टॉपिक्स हैं, और हमारे डे टू डे के लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उनका एक तरह से सोल्यूशन, या कहेंगे जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सोल्यूशन देने की हम कोशिश करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं। और इस कोशिश का मुझे एक फायदा होता है कि मैं, मुझे फालतू की चीजें सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता, हर बार हमेशा ये रहता है कि मैं, आपने जो सवाल पूछा है उसका मैं अच्छे से अच्छे जवाब कैसे दे पाऊं, अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं यहां से इसको कंसल्ट करूं, यहां से कंसल्ट करूं, और किताबों को देखूं, और देख दाख के मतलब अच्छे से अच्छा मैं आपको एक आंसर दे पाऊं। और ये आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एक तरह की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। हमें हमेशा रहता है कि कल हमें वीडियो अपलोड करना है, बैठ के हमें उसके बारे में डिस्कस करना होता है, कई बार किसी फैमिली फंक्शन में अटक जाते हैं, फिर भी दिमाग में यही घूमता रहता है कि वी हैव टू मेक अ वीडियो, वी हैव टू गिव दिस टू आवर ऑडियंस, वी हैव टू गिव दिस टू आवर सब्सक्राइबर्स, जिन लोगों ने That must be honest as well. Exactly. कि हम उसमें कोई फेक चीज नहीं डाल दे, चलो टालने के लिए कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर ऑनेस्ट इन आर वर्क, इन आर थॉट, इन आर माइंड, एंड दैट्स व्हाई वी आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग विथ यू, एंड यू आर लाइकिंग इट।
और हम आगे भी शेयर करते रहेंगे. काफी ज्यादा फ्यूचर प्लान्स हैं इस चैनल को लेके. अगर हम बात करें तो लाइव फीचर आपको पता होगा, यूट्यूब पर लाइव फीचर हम दोनों चैनल्स पे लाइव फीचर स्टार्ट करना चाहेंगे. कॉन्टेस्ट, इस चैनल पे हम कॉन्टेस्ट लेकर आएंगे जहां पर डायरेक्टली आपको गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे, आपको डायरेक्ट एडवाइस भी मिल सकती है. सो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट. उसके अलावा और भी चीजें हैं, काफी लोग मीटअप के लिए बोल रहे हैं, यानी वो पर्सनली हमसे मिलना चाहते हैं, विच इज एन ऑनर फॉर अस. तो हम उसके लिए भी ट्राई करेंगे इफ पॉसिबल फ्यूचर में. वी विल डेफिनेटली ट्राई फॉर दैट. उसके लिए भी हम वर्कआउट कर रहे हैं और जरूर हम आपके साथ लाइव बात करेंगे और आपके क्वेश्चंस के जो भी सवाल जवाब होंगे वो हम आपके साथ करेंगे. क्योंकि ये एक मेरी इच्छा थी कि मैं बहुत सारे लोगों से कैसे जुड़ पाऊं, और इसका आइडिया मुझे मंजू ने दिया, बहुत हेल्प की और मुझे यहाँ तक ये लेके आई है. एक्चुअली शी इज ऑल्सो मम्मा बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्हें जानने की इच्छा, यहाँ तक कि कैसे वीडियोज वो करते हैं, टेक्निकल चीजें जो है सारी, वो बहुत ज्यादा उस चीज को लेके क्यूरियस रहती है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. आई थिंक जो चीजें हम लोग क्या करते हैं, वंस वी रीच अ सर्टन एज, नहीं अब मेरी उम्र रह गई यही करने की. आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम हर. नहीं, सीखने की कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं, ये मेरा मानना है. सीखने की कोई उम्र नहीं, फिट होने की कोई उम्र नहीं रहती. आप जिस दिन आपने ठान लिया आपको फिट होना है, आपको अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना है और उस पर अमल करके अपने लाइफ स्टाइल को आपने सुधार लिया, वो दिन के बाद आप अनफिट नहीं होंगे, क्योंकि उसके बाद आगे ही बढ़ेंगे, आप स्टेप्स ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ नहीं. एक्चुअली मैं जब स्कूल में, कॉलेज में भी थी, स्कूल में तो नहीं, कॉलेज में जब थी तो पता नहीं, इट इज समथिंग गॉड गिफ्टेड आई थिंक, कि मेरे से मेरे क्लास के बच्चे पूछने आते थे, मुझे ये हो गया मैं इसका क्या करूं, मुझे ये हो गया मैं इसका क्या करूं, और मैं जो बताती थी आयुर्वेद का वो उनको फिट बैठता था, बिल्कुल वो ठीक हो जाते थे. तो मुझे लगता था वाकई में यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, कुछ और इसका पढ़ना चाहिए. और मुझे वो आयुर्वेद की किताबें पढ़ने की आदत पड़ी. कुछ लोग आप लोगों में से पूछते हैं कि क्या आप डॉक्टर. नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने किताबें इतनी पढ़ी हुई हैं जितनी शायद किसी डॉक्टर को पढ़नी पड़ती होंगी, और मेरा इंटरेस्ट है इसमें. एग्जैक्टली, यानी इन दोनों चैनल पे आपको दो चीजें मिलती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आयुर्वेदा. सो आई एम अ डाइटिशियन, आई एम अ सर्टिफाइड डाइटिशियन. आपको साइंस और मॉडर्न चीजें जो भी हैं डाइट से रिलेटेड, आई ट्राई कि वो सारी जो क्वेश्चन है आपके उनसे उन्हें मैं आंसर दे पाऊं. और जो आयुर्वेद फील्ड में है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन रेयरली देखने को मिलता है. मोस्टली क्या होता है, आयुर्वेद की कई चीजें हैं जो साइंस से बिल्कुल हटकर है, साइंस की चीजें ऐसी जो आयुर्वेद से हटकर है, लेकिन एक कॉम्बिनेशन, उनका एक होलिस्टिक रिजल्ट देना, एक कंबाइन करके सही आंसर देना, वही हमारी कोशिश रहती है. और वो कोशिश जो है वो बहुत ही सिंसियर होती है. हम नहीं चाहते कि कभी भी हम ऐसी कोई चीज बता दें कि ऐवें ही बताने के लिए बता दिया. पहले उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होता है, उसके बाद उस चीज को हम आपके सामने लेके आते हैं. और मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि मेरी और मतलब हमारी जो भी एफर्ट्स हैं वो सिर्फ यहाँ आसपास नहीं, बहुत दूर दूर तक बाहर देशों में भी लोग देखते हैं और वहां से भी हमें कमेंट्स मिलते हैं. एक्चुअली मैं यहाँ एक बात जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो आइडिया मेरे दिमाग में घुसाया है, ये मेरे पापा ने बताया था मुझे कि बेटा अगर आप सोसाइटी के लिए इतना सा भी कर पाओ तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी. आपकी वजह से किसी के चेहरे पर इतनी सी भी मुस्कान आ जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी. और सोसाइटी छोटी चीज नहीं है. दिस वासुदेव कुटुंबकम का फॉर्मूला वो अपनाते थे और वही उन्होंने मुझे सिखाया, साथ में माँ ने सिखाया. मेहनत करते जाओ, मेहनत से मत डरो, मेहनत से कोई इंसान ना कमजोर होता है ना मरता है, मेहनत से आप आगे ही बढ़ते हो और फिट रहते हो. आप गेन करते हो कुछ ना कुछ, जितना आप हार्डवर्क करेंगे वो रिटर्न में आपको पे करेगा. तो और एक और चीज मैं एक्चुअली आपका थैंक्स भी करना चाहूंगी इस चीज को लेके, कि हम भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं. हम लोग बिलीव करते हैं, वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, जो हम बोलते हैं उसे पूरा अपनाते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. एंड इसीलिए हम थैंक्स करना चाहेंगे कि हम फिट रहने के लिए कोशिश करते हैं, हम हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें अप्लाई करें अपनी लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में. बिल्कुल. और उसके साथ साथ ये हम एक ही चीज की 10 रेसिपीज बता देते हैं, उसी तरीके से एक ही स्ट्रेस से बाहर आने के 10 रास्ते बता देते हैं. तो उसमें से जो आपको सूट करता है उसको आप अपना लीजिए और आप आगे बढ़ते जाइए. तो यही हमारी उम्मीद रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है, हमारी विशेष भी रहती है. एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, खुशी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. एक हमारा जो दूसरा चैनल है फूड फिटनेस एंड फन, उसके लिए हमें YouTube से सर्टिफिकेट मिल गया है और उसके साथ साथ हमें YouTube से मिल गया है सिल्वर बटन. वी आर रियली ऑनर्ड और हम पूरी कोशिश करेंगे. एक्चुअली आई एम श्योर कि ये बहुत ही जल्दी पॉसिबल होगा कि एक और हमारे पास ये आए.
आपके प्यार एनकरेजमेंट सपोर्ट को देख के हमें लगता है कि वी विल डेफिनेटली गेट वन मोर वेरी सून। और मुझे ये चाहिए आप लोगों से, तो आप मेरी मदद करेंगे इसे पाने में। तो ये कुछ एक खुशी के पल थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, और इसमें क्योंकि इसमें बड़ा हाथ आपका है, इसीलिए आपका भी हक बनता है हमारे साथ आप इस खुशी में आए। आई होप आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे, आगे भी हमें सपोर्ट करते रहेंगे, अपनी क्वेरीज हमारे पास भेजते रहेंगे, सवाल जवाब करते रहेंगे, और जैसे ही हम कॉन्टेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हम आपके पास दोबारा आपको बताएंगे कि कब से स्टार्ट हो रहा है और लाइव चैट कब से स्टार्ट हो रहा है। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।